तो देखो भाई मेरे पास है ये वाला फोन जियो का, तो मेरे को एडिटिंग का भाई दूसरा पैरा सूट भी तैयार हो गया, ये यहाँ ना आए भैया लोग। देखो गाइस मेहनत देख रहे हो इतने सिंगल शॉट के लिए, और शॉट देखो चढ़ाई में उल्टा चढ़ रहा हूँ मैं। अरे भैया आप ब्लॉगिंग करते हो? लग नहीं रहा। अरे कभी कभी करते हैं, ऐसा है ना। और अब तो निकल जाऊंगा मैं, तो निकलता हूँ। इसी हंसते चेहरे के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज हम द्वारा आ चुके हैं। फिलहाल तो मैंने आपको इसके सिनेमैटिक व्यूज़ तो आपको दिखाई दिए थे। यह है माल देवता, यहाँ से हम चढ़ते हुए इस चढ़ाई से अभी ऊपर आए। फिलहाल हमें पता नहीं है भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना भाई। अब ये देखो अब यहाँ सर्च हो रहा है कि जाना कहाँ है, क्या लिख रहा है द्वारा व्यू पॉइंट। द्वारा व्यू पॉइंट, पहले हम घर से निकल जाते हैं, फिर देखते हैं हमें जाना कहाँ है। भाई ये जूता पड़ा था, ये यहाँ से उठा रहा है। अभी किस लिए उठा रहा है भाई? अब हम एक ड्रोन शॉट कवर करने के लिए हमने एक ना लेने तो इसको नए जूते थे। भाई वहां से तो हम ऊपर आ गए, ये रास्ता पकड़ के अभी आगे के लिए चल रहे हैं। और ये है वो डंडी जो हमने उस चीज के लिए बनाई है, ये लेस बांध रही है, जो ये लेस निकाल रहा था ना, ये लेस बांध रखा है मैंने। और भैया हंसते चेहरे का मतलब नहीं होता कि अन्नो कोई तकलीफ नहीं होता। बहुत तकलीफ है भाई, बस अन्नो तकलीफ नाल डील करना होता है। क्यों तू सर जी, है ना? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो भाई फाइनली यहाँ से अभी एक गाड़ी तो गई जिसमें पैराशूट वगैरह थे, तो पैराग्लाइडिंग स्पॉट बोलते हैं इसे। देखते हैं यार कहाँ मिलता है, हमें तो लगा था ये रास्ता नीचे रोड को जाता है। खेलों के साथ बने रहे हमारे साथ। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। तो भाई फाइनली ये था पैराग्लाइडिंग स्पॉट, तो यहाँ तो हम पहुंच गए साइकिल लेके। तो इसको अपना दोस्त आखिरकार मिल ही गया। हाँ भाई आखिरकार इसी ने जाना है मेरे साथ स्वर्ग तक। मुर्सा कस्टम से यहाँ मस्त व्यू दिख रहा है पूरा, ये पूरा देहरादून वाला इलाका, वो पूरा मसूरी वाला इलाका। अरे उड़ गया। अरे ना ड्रॉप करा उन्होंने। चढ़ गए, क्या मजा आ रहा होगा उन्हें। नहीं भैया देखो, पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? और दूसरा, दूसरी बात, आँख खुली रखनी है, आँख खुली रखनी है, पैर नीचे लगाने नहीं है, भागना है, सीधा जय श्री राम बोलना है और कूद जाना है। तो भाई दूसरा पैरा सूट भी तैयार हो गया, ये यहाँ ना आए भैया लोग। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। तो भाई कुछ इस तरीके से होती है पैराग्लाइडिंग यहाँ पर देहरादून में, और इसका प्राइस 3500 रुपये ना। पर भाई हमारे पास 3500 रुपये नहीं आया। फोन दिखा दो भाई को। सब्सक्राइब ही नहीं। तो भाई अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि वीडियोस लेट आती है आपकी, मतलब 10-15 दिन लग जाता है। मैं रीज़न बताता हूँ भाई। तो देखो भाई मेरे पास है ये वाला फ़ोन जियो का, तो मेरे को एडिटिंग करने के लिए अपना भाई का फ़ोन मांगना पड़ता है, तो इस वजह से डिले हो जाती है वीडियोस में। तो अब देखते हैं भाई, अब धीरे धीरे ग्रो होंगे आपके सपोर्ट से। कौन जो बोलते हैं कमेंट, कमेंट तो आते नहीं, नहीं होने देंगे भाई ये मेरा। अरे भाई लोग, अरे हमारे पत्थर यहाँ आ रहे भाई, ये ले। तो भाई तब से हम सोच ही रहे थे क्या करें क्या करें, भूख भी लगी रही थी, तो हमने बिस्किट खाया, एक और खाया था वो चुपा दिया है। तो भाई यहाँ तो वो मैं लाया था भाई, दोनों मैं लाया था। ये लाया नहीं है कुछ, ये लाया कैमरा, सिर्फ अपना गोप्रो लाया है, डीएसएलआर, ठीक है डीएसएलआर, और एक वो उसका लेंस कौन सा मेरा। तो भाई देखो सब लोग तो यहाँ खाना बना रहे हैं, और हम लोग
हम लोग कुछ नहीं बातें बना रहे हम लोग। पैरा ग्लाइडिंग वाला 3500 रुपये लेता है, 500 उन्हें देता होगा, 300 अपने, 3000 अपने पास रखता होगा, तो एक दिन का बढ़िया हो गया इनका भाई एक दिन का। मेरे हिसाब से बढ़िया है भाई, जो मजा है इनका सही है यार। और एक हम साइकिल में आते हैं, बहुत सही खर्चा करते हैं एक दिन में 100 रुपये का, 100 रुपये का, और तीन है, तीनों का 100 रुपये, तीनों का 100 नहीं 300 नहीं 100 ही 100 ही 100 ही भाई, हम गरीब हैं। तो महीने का हो गया 3000 क्योंकि एक ही राइड करते हैं। पर भाई 100 रुपये खर्च करने के बाद इतने भयंकर व्यू पे आए तो मजा भी तो आएगा ना। और बाकी तो और मजा आ ही रहा है देख के कुछ ना कुछ। बाकी आप अगर सब्सक्राइब कर दो तो और मजा आ जाए, और मजा आ जाए भाई, मजा आएगा। बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, जल्दी जल्दी 500K कर दो। के 500K मात्र कितने चाहिए, 80K और चाहिए मेरे को, मात्र 500K के लिए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? नहीं यार तू समझा, तू समझा नहीं, नहीं यार तू नहीं समझा भाई। आज का व्लॉग तो ऐसी था, व्लॉग भी क्या कहना, मतलब मस्ती करने आए थे यार, बहुत टाइम से नहीं की थी ना साइकिलिंग, हमने कहा थोड़ा मस्ती वाले व्लॉग डालते हैं। चल 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 तो भाई हम माल देवता से, तो माल देवता से नहीं, माल देवता में हैं हम, हाँ नहीं द्वारा से आए हैं। तो भाई द्वारा से तो हम आ गए, आपने हमारी राइड तो देख ली होगी, तो फिलहाल ये, अरे यार, तो फिलहाल हमने अपनी साइकिल यहाँ खड़ी करी, हमने यहाँ भीड़ देखी, हमने सोचा चलो भाई क्यों ना यहीं पे वो देख लेते हैं लोगों का मनोरंजन, यही होती है यार हमारी जिंदगी है राठौर, हम बस जिंदगी भर साइकिल ही लेके घूमे। यहाँ देखो लोग, असली मजा तो देखो यहाँ भाई। तो भाई वो देखो हम नीचे आए, एक और पैराग्लाइडिंग वहां से फिर से शुरू हो रही है। तो भाई फाइनली वहां से आगे और रिस्पना पुल भी हमने पार कर दिया है। तो आज की ब्लॉगिंग तो फिलहाल यहीं तक थी। तो यार इसी भीड़ भाड़ के साथ हमारा ब्लॉग एंड होता है, और ये ऐसी मस्ती वाला ब्लॉग था, बस ऐसी मन करा था तो हम साइकिलिंग पे चले गए। क्या कर रहे हो भाई तुम, ये टाइम भी करोगे।